अस्सलाम वालेकुम एंड हेलो एवरीवन, वेलकम टू अ न्यू वीडियो। आज की वीडियो है हैदराबादी स्टाइल चिकन 65 रेसिपी। तो इसमें मैं आपको दो टाइप के बताऊंगी, एक है वेज 65 और एक है ड्राई 65। तो मैं आपको पहले ये टू स्टेप प्रोसेस है, एक है मैरिनेशन, नेक्स्ट है इसका फ्राइंग और जो सॉस है इसकी वो बनाएंगे हम। तो मैरिनेशन भी आप दो तरीके से कर सकते हैं, मैं आपको दोनों ही यहाँ पर बताऊंगी। एक तो ऐसे करना है कि जो हाफ के जी चिकन है वो ले लेना है और उसमें सारे इंग्रेडिएंट्स मिक्स कर लेनी है। जैसे मैं आपको बता रही हूँ, मैंने यहाँ पर लिया है हाफ के जी बोनलेस मटन, उसमें मैंने डाला है 1 टेबल स्पून जिंजर गार्लिक पेस्ट, 1.5 टीस्पून रेड चिली पाउडर, 1/2 टीस्पून हल्दी पाउडर, 1 टीस्पून गरम मसाला पाउडर, 1 टीस्पून सॉल्ट, या फिर आप आपके टेस्ट के हिसाब से डालिए। और इसमें मैंने डाला है थोड़ा सा सोडा, इससे चिकन सॉफ्ट होता है। ये हो गया एक वे। दूसरा वे ये है कि आपको सेम चीज़ में दही डालना है, 2-3 टेबल स्पून। अच्छे से आप उसे विप कर लीजिए और उसे इसमें ऐड कर दीजिए। ये देखिए, अच्छे से आपने मैरिनेट कर लिया है। अब इसे आप हाफ एन आवर रख दीजिए। हाफ एन आवर के बाद आप इसमें डालेंगे कॉर्नफ्लावर। इंग्रेडिएंट्स के क्वांटिटीज और नेम मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी। अब मैं इसमें डाल रही हूँ एक अंडा, आप चाहे तो होल एग भी डालें या फिर आप एग वाइट डालें, बट प्रेफरेबली आप एग वाइट डालिएगा। अब एग वाइट डालने के बाद आप इसे अच्छे से मिक्स कर लीजिए। अब हम एक कढ़ाई लेंगे और उसमें डीप फ्राइंग के लिए ऑयल ले लीजिए ज़्यादा क्वांटिटी में। और अब इस ऑयल में हम अच्छे से 1 by 1 सारे चिकन डालेंगे। और प्लीज़ इसे ओवरक्राउडेड मत करिए, क्योंकि फिर वो सही से पकेंगे नहीं। और मैंने यहाँ पे चूल्हा रखा है, पहले जो चिकन है वो डालने से पहले मैंने हाई फ्लेम पर रखा था और वाइल फ्राइंग मैंने मीडियम लो पर रखा है। इस तरीके से आप जो भी है, एक बैच, 2 batches या 3 batches, उस हिसाब से आपकी कढ़ाई के साइज़ के हिसाब से आप इसी तरीके से इसे फ्राई कर लीजिए। और जब ये अच्छे से फ्राई हो जाए इसे बाहर निकाल लीजिए। तो ये हो गया फर्स्ट स्टेप। अब नेक्स्ट स्टेप में हम इसकी सॉस की तैयारी करेंगे। तो ड्राई 65 और वेट 65 की सॉस की प्रिपरेशन डिफरेंट होती है। मैं पहले आपको यहाँ पर वेट 65 के लिए बताती हूँ। तो मैंने ये कढ़ाई गरम कर ली और उसमें 3 टेबल स्पून से ऑयल ले लिया और ये चॉप्ड जिंजर गार्लिक डाल दिया। फिर वो थोड़ा सा इसकी खुशबू आने के बाद मैंने इसमें डाला है हरी मिर्च और साथ ही में डाल दिए हैं करी लीव्स। अब इसे आप थोड़ा सा भूनेंगे, ब्राउन नहीं करना है हमें ये जो जिंजर गार्लिक है, बस लाइट इसकी अच्छी सी। अब इसके बाद मैंने यहाँ पर एक पेस्ट बनाकर रखा था रेड चिली सॉस और टमेटो केचप का। आप ये सॉस तैयार करने से पहले ही रेडी करके रखिए सो दैट आपको आसानी हो। अब मैं ये जो सॉस है इसमें मैंने ऐड कर दिया कढ़ाई में और इसे अच्छे से हिला दिया। अब मैंने यहाँ पर ऐड किया है ये कॉर्नफ्लावर स्लरी जो कि मैंने पहले से ही बना कर रखी थी। तो ये आपको 4 टेबल स्पून तक डाल देना है इसमें और अच्छे से हिला देना है। अब साथ ही में मैंने इसमें रेड फूड कलर डाला है, ये ऑप्शनल है, अगर आप चाहें तो डालिए, नहीं चाहें तो ना डालिए। अब जो हमारा 65 हमने फ्राई किया था वो इसमें डाल दीजिए। सून आफ्टर पुटिंग योर कॉर्नफ्लावर सोल्यूशन ये डाल दीजिए, और मुझे थोड़ा नमक कम लगा था तो इसलिए मैंने फिर से डाल दिया। अब इस सेकेंड वे मैं आपको बता रही हूँ, जिसमें फिर से मैंने कढ़ाई ले ली जो कि है ड्राई 65 के लिए। उसमें 2 टेबल स्पून या 3 टेबल स्पून आप ऑयल ले लीजिए और सेम जिंजर गार्लिक चॉप्ड डाल दीजिए उसमें, देन ग्रीन चिलीज और करी लीव्स डाल दीजिए। और अब आप इसे अच्छे से भूनिए, अच्छी सी अदरक लहसुन की खुशबू आनी चाहिए। अब इसके बाद इसमें मैंने व्हिप्ड कर्ड डाला है, इसे अच्छे से फेंट लीजिए दही को और इसमें डाल दीजिए। और थोड़ा सा 1/2 ग्लास पानी मैंने इसमें डाला है। अब आप इसे अदरक चॉप्ड डाल दीजिए उसमें, देन ग्रीन चिलीज और करी लीव्स डाल दीजिए। और अब आप इसे अच्छे से भूनिए, अच्छी सी अदरक लहसुन की खुशबू आनी चाहिए।
अब इसके बाद इसमें मैंने व्हिप्ड कर्ड डाला है, इसे अच्छे से फेंट लीजिए दही को और इसमें डाल दीजिए, और थोड़ा सा आधी ग्लास पानी मैंने इसमें डाला है। अब आप इसे अच्छे से हिलाइए। इसके बाद हम फिर से वही करना है जो हमने सॉल्यूशन बनाया था और सॉसेस का, वो इसमें डालना है और इसे अच्छे से हिला देना है। अब इसके बाद हम इसमें फिर से डालेंगे हमारा कॉर्नस्टार्च, जो स्लरी थी उसकी, वो डालिए और हिला दीजिए। जब ये अच्छे से पकने लग जाए तब आप इसके अंदर आपका जो फ्राइड 65 था वो ऐड कर दीजिए और बस एक मिनट तक इसे चूल्हे पर ऐसे मिक्स कर लीजिए एंड टर्न ऑफ द फ्लेम। तो ये देखिए बहुत ही टेस्टी है ये, आप प्लीज़ ज़रूर ट्राई करिएगा। टू वेज मैंने बताए हैं, मैरिनेशन के भी और जो सॉस बनाना है उसके भी। तो इस तरीके से आप इजीली बना सकते हैं घर पर भी रेस्टोरेंट स्टाइल हैदराबादी 65। तो वेट 65 हो गया और ड्राई 65। तो आई होप आपको ये रेसिपी पसंद आई हो, तो प्लीज़ आप इसे लाइक करिए और इस चैनल को शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। अगले वीडियो में मिलते हैं, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।